الله شافي الله كافي सिकंदरा एक बज गया है प्लीज। बस अभी जरा ड्रेस चेंज करके आती हूँ। एक तो पता नहीं ये बारातें इतनी लेट क्यों हो जाती हैं। जब खाना 11 बजे लगेगा तो फिर एक तो बजेगा ही ना। सारा घपला दूल्हा वाले करते हैं। इस वक्त नहीं सिकंदर प्लीज। ओहो फैजान क्या है, इतना मजा आता है, तुम मुझे जरा सी खुशी भी नहीं दे सकते। एक बज गया सिकंदर, मुझे सुबह सुबह इस्लामाबाद की फ्लाइट भी पकड़नी है। ये नोफिल मूवी कैमरा क्यों ले गया था? कह रहा था किसी जुलूस की मूवी बनानी है। उसके इम्तिहान सर पर है सिकंदर, उसे क्या जलसा जुलूस है? नहीं मैंने उसे कहा था लेकिन वो नहीं माना, कह रहा था मैं जरा फ्रेश हो जाऊंगा। क्यों नहीं माना? तुम मानते हो जो वो मानेगा। हर काम में कसूर मेरा है, ये गलती है सिर्फ तुम्हारी कि जल्दी नहीं सोने देती। तो तुम लाइट बजाओ और सो जाओ। खुदा जाने इस शादी में जाना क्यों समझता। अभी बस अभी आती है आइसक्रीम, बस सारा चुप करेगी। मामा के मैं मेरे से सोना आज है? चलो बस मेरे साथ जब भी डाल के सोना। ओके ठीक है। हाँ आइसक्रीम मैंने आइसक्रीम खानी है, कान निकालो। नसरीन क्या बात है, अभी तक आइसक्रीम नहीं आई। बेगम साहिबा सख्त ही, निकालने में देर हो गई। इतनी देर तुमने लगा दी है, इधर लाओ ये देखो आइसक्रीम आ गई, खाओगे? नहीं आइसक्रीम नहीं खानी, कान निकालो। लाओ ना जल्दी दिखाओ। क्यों रुला रहे हो, लाओ मुझे तो। क्या हो, क्या हो? पापा I want to eat ice cream। हाँ तो कहाँ है आइसक्रीम? मैंने आइसक्रीम खानी है, कान निकालो। हाँ तो दो ना आइसक्रीम। मैंने आइसक्रीम खानी है, कान निकालो। मैंने आइसक्रीम खानी है, कान निकालो। चलो चले मेरा ख्याल है, हाँ 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 मिला बेटा मिला बेटा। चलो आओ साजन, आ जाओ। हाँ हाँ
میرا پیٹ कर रही हो तो उस खराब मत करो। एलन इसे नर्सरी में ले जाओ प्लीज। यस मैम। चलो सारा। मैंने नहीं जाना। चलो गो। क्या बात है तुम कुछ खा नहीं रहे? अंडा ठीक नहीं बना। तुम्हें कैसा अंडा चाहिए? फ्राई लेकिन पिचका हुआ नहीं। खान साहब से कहो कि एक अंडा फ्राई करके लाए लेकिन उसकी जर्दी ना टूटे। सर बेगम साहब को गुलाम मोहम्मद तो किचन में नहीं है और ड्राइवर काम कर रहा है। कहाँ गया गुलाम मोहम्मद? पता नहीं जी कहाँ चला गया, कल से क्वार्टर में नहीं है। Please.
बगैर कुछ खाए उठ के चला गया। इतना ब्लैक मूड तारी है उसके ऊपर, एक अंडा ये लोग ढंग से नहीं बना सकते। मैं फिजान में क्या करूं, मेरी जान साजिद भूखा ही चला गया उठ के। कोई हर्ज नहीं सिकंदर, आप लंच खा लेगा, इसमें इस कदर परेशान होने वाली क्या बात है। अल्लाह शाफी, अल्लाह काफी, अल्लाह शाफी, अल्लाह काफी। आपकी मामा हूँ और आपकी बेहतरी चाहती हूँ। और ये आपके नजदीक बेहतरी है? ये हर वक्त की डांट टपक टोका टोकी फुल स्टॉप। आपके इम्तिहान है बेटा और आपको ओ लेवल्स की तैयारी करनी है। करता हूँ तैयारी भी। आपको पढ़ाई के अलावा कोई और बात आती है? कब, किस वक्त, मैंने तो नहीं देखा। कभी तो आदमी को रिलैक्स कर लेने दीजिए, करे इंजॉय करने से आदमी फ्रेश होता है। कितने घंटे चाहिए तुम्हें फ्रेश होने के लिए दिन में? हाँ मामा, आप मुझे कार की चाबी दे, मैं बाहर जाना चाहता हूँ अभी इसी वक्त। नौफल, तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है और तुम अंडर एज हो। और कुछ? देखो अगर तुम्हारा चालान हो गया ना तो तुम्हें सिपाही सीधा हवालात में ले जाएगा। ये एक माँ की ख्वाहिश है, अल्लाह करे ऐसे ही हो और मैं हवालात जाऊँ, तब आपको खुशी होगी। ये मेरी ख्वाहिश नहीं है बेटा, ये मेरा खौफ है। जब तुम इस तरह मुझ पर धौंस जमाकर, मुझ पर रोब जमाकर तुम चाबी ले जाते हो तो मैं खौफ से कांपती रहती हूँ, कहीं कोई हादसा ना हो जाए, कहीं कब तुम किसी नाराज थके हुए सिपाही के हत्थे ना चढ़ जाओ। रखिए अपने पास अपनी चाबी, मैं पैदल भी जा सकता हूँ। किसी ट्रेन के नीचे आने के लिए किसी कार की चाबी दरकार नहीं होती मामा। नौफल प्लीज मेरी बात सुनो, तुम ले जाओ चाबी। ना मुझे आपकी कार चाहिए और ना उसकी चाबी। नो थैंक यू। प्लीज नौफल मेरी बात सुनो, तुम चाबी ले जाओ मेरी खातिर। एक तो आपकी समझ नहीं आती, पता नहीं आप क्या है। पता नहीं मैं क्या हूं, मुझे खुद भी अपनी समझ नहीं आती।
अल्लाह ने तुम्हें हर नेमत दे रखी लेकिन तुमने घायल होना नहीं छोड़ा। अब बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? कहो तो सारी फैक्ट्रियां जलाकर तुम्हारे कदमों में आ बैठूं। खुदा के लिए इस उम्र में ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं फैजान। मेरे अपने कुछ मसाइल हैं और तुम उन्हें हल करने का नाम ही नहीं लेते हो, बस काम में बिजी रहते हो हर वक्त। माय डियर, तुम्हारे सारे मसले इमेजिनरी हैं। ये बच्चे एक फेज से गुजर रहे हैं, सब बच्चे गुजरते हैं, आप ही ठीक हो जाएंगे। क्यों, हमारे दोस्तों के भी तो बच्चे हैं, उन्हें तो ऐसा कोई मसला नहीं है। ये बच्चे, ये तो किसी की मानते ही नहीं। नौकरों को इस बेदर्दी से टुड्डे मारते हैं कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। और उस साजिद ने तो ऐसी ऐसी गालियां सीख ली हैं कि तुम खुद हैरान रह जाओगे सुनकर। सिकंदरा, कोई आसमान तो नहीं गिरा जो तुमने इतनी खौफजदा शक्ल बना ली? तुम तो उन्हें कुछ कहते नहीं हो, उल्टा स्पॉइल ही करते रहते हो। बेचारे बाप को वक्त ही कितना मिलता है, उन्हें स्पॉइल ना करे तो और क्या करे। हम थोड़े वक्त में बहुत ज्यादा मोहब्बत पैक करना चाहते हैं, हम बाप लोग। मुझे तो लगता है पता नहीं किस किस्म के ये आवागौन बच्चे। आवागौन बच्चे, क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, छोटी छोटी उम्रों में ये खुदा जाने कौन कौन सी जन्म बसर कर रहे हैं। कभी मुझे लगता है जैसे रीच हूं, लिपट कर दम ही ले लेंगे। कभी लगता है कि जैसे जहरीले सांप हैं, डसी तो लेंगे। कभी बंदर लगते हैं, मस्खरे, शरारती, रोना, चिड़ना, लड़ना। नर्सरी से तो हर वक्त बंदूकों की आवाजें आती रहती हैं, जैसे भौंचाल आया हुआ। मुझे तो लगता है जैसे मेरे किसी सौत के बच्चे हैं, वरना मेरी बात क्यों नहीं मानते आखिर? नौकरों को तो इस बेदर्दी से मारते हैं कि तौबा है। तुम्हें ऐसे ही फोबिया हो गया है सिकंदरा, इनको दबाओगे तो ये सोसाइटी में आगे बढ़ने के काबिल नहीं होंगे। इनमें फाइट ही खत्म हो जाएगी तो ये कॉम्पिटिशन में हिस्सा कैसे लेंगे? इन्हें दबाना, झड़कना, अपना आप मनवाना आना चाहिए। और ये इस दौर की बहुत अहम जरूरत है, खासकर ये थर्ड वर्ल्ड के शहरियों की। ये अगर कोबरा ना बने तो लोग इन्हें डस जाएंगे फॉर श्योर। फिजान, अब्बा जी जब घर आया करते थे तो हम सातों बहन भाई किस तरह चुपके से खिसक जाया करते थे। तुम्हें याद है अम्मा बस आंख का इशारा करती थी। मेरी प्यारी डरी हुई खौफजदा सी बीवी, वो मेल शोविनिज्म का जमाना था, अब डेमोक्रेसी का अहद है, वो अखलाक का दौर था। अब दुनिया तरक्की पसंद हो गई है। अब देखो ना छोटी जारा को, उसे प्ले ग्रुप के सारे फलों के नाम अंग्रेजी में याद है। मेरी प्यारी बीवी, ये एक फेज है। बहुत जल्द ये तीनों चैलेंजेस कबूल करने वाले बड़े शानदार पुरअज़्म ह्यूमन बीइंग्स बन जाएंगे। कदावर, अपनी अहमियत के एहसास से तने हुए, दूसरों को दम बखुद कर देने वाले। कहीं कोई खराबी है जरूर कोई खराबी। सारी खराबी यहां है, यहां इस छोटे से खूबसूरत सर में। बच्चे ठीक ठाक जा रहे हैं, अग्रेसिव, बाइटिंग, डिमांडिंग। सारा स्वीट बेबी, नहीं पहनना। प्लीज सारा पहन दो। नो एलन, प्लीज टच मी। सारा मत पहनना। व्हाट आर यू डूइंग? नहीं पहनना। प्लीज पहनो सारा, क्यों नहीं पहनना? ओह माय गॉड, प्लीज इसको पहनो। नहीं पहनना। क्या हो रहा है, क्यों रुला रहे हो सारा को? व्हाट हैपेंड एलन? सर, she not put on sweater. ओहो भाई, पहला फुसलाकर मोहब्बत से पहनाओगी तो पहनेगी ना। क्यों ना सुन, तुम्हें इतनी तनख्वाह किस बात की मिलती है? मिला बेटू, मिला बेटू। या यहाँ बिठाओ, ये ज़ारा के घोड़े पे आओ भाई, आओ ज़ारा घोड़े पे बैठो। Come on, come on. ये अब पापा जा रहा है भाई। आहा, ज़ारा का घोड़ा जा रहा है भाई। मुझे कुछ मालूम नहीं कि खान सामा जी क्यों गए और कैसे गए, समझ में आई? मुझे जुमे तक एक काबिल एतबार और ईमानदार खान सामा चाहिए। तुम में से जो कोई भी एक कारीगर लेकिन ईमानदार खान सामा लेकर आएगा उसे इनाम मिलेगा। और तुम कान खोल कर सुन लो सफदर, अगर पिछले खान सामे जैसा खान सामा हुआ ना तो ना सिर्फ मैं जुर्माना करूंगी बल्कि तुम्हारी तनख्वाह भी काटूंगी, समझ आई?
احسان بھائی کے بدلے تو مجھے کبھی بھی شبہ نہ ہو سکتا تھا. دیکھ لو. بتاؤ تو صحیح کون ہے, کیسی ہے, کہاں رہتی ہے, میں اسے سود کر دوں گی. توبہ اے بے وقوف, تجھے تو ہمیشہ یہی خیال رہتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں. تو کیا کسی عورت کا چکر نہیں ہے؟ نہیں بھائی, بتانا میں کیا کروں فیضان کا. اتنے مہنگے مہنگے ٹوائز لاتے ہیں بچوں کے لیے, اور میں ڈینمارک سے لائی تھی, اتنا مہنگا اتنا خوبصورت کرسٹل لے کے ساجد نے توڑ دیا, اور ڈانٹنے بھی نہیں دیا پھر ساجد کو, الٹا ساجد سے پیار کرنے لگے. کہتے ہیں کہ ڈانٹنے سے بچوں میں گلٹ پیدا ہوتا ہے, اور احساس جرم جو ہے وہ ہیومن بینگس کے لیے اچھا نہیں ہے. تو یہ کوئی رونے والی بات ہے؟ کمال ہے, خام خواہ چھوٹی سی بات پر رونا ہے. بابا آدھی رات کو آئس کریم کے لیے لے جاتی ہے ہمیں زارا. ہمارا گھر تو یوں جیسے سرکس ہو, کوئی جانور سدھاوا نہیں ہے. سکندرا ویسے یہ تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اچھا یہ بتاؤ فیضان کے ساتھ تمہارے ریلیشن کیسے ہیں؟ پتہ ہے جب نوفل اور تنزیلا چھوٹے تھے نا تو مجھے یہ نچھاور کرنے والی حرکتیں بڑی اچھی لگتی تھی, لیکن اب کبھی کبھی مجھے فیضان پر غصہ آ جاتا ہے. غصہ؟ وہ کیوں؟ جب نوفل اور تنزیلا چھوٹے تھے نا تو انہوں نے کبھی مجھے رات کو نہیں جگایا, خود ہی انہیں فیڈ پلا دیا کرتے تھے. میں سمجھتی تھی شاید میری محبت میں ایسے کر رہے ہیں. تو کیا آپ تمہاری محبت نہیں رہی؟ ہے بابا, محبت تو وہیں کی وہیں ہے, محبت نے کہاں جانا ہے. لیکن اب فیضان کی اور بچوں کی کچھ ایکویشن سی بن گئی ہے. پتہ ہے اس دو عملی حکومت کا بچے بڑا فائدہ اٹھا رہے ہیں, ایکسپلوائٹ کر رہے ہیں ہمیں. بے وقوف, بچے ہیں ہائی آئی کیو والے, انٹیلیجنٹ, کچھ دیر بعد میچیور ہو کر وہ ٹھیک ہو جائیں گے. تم اتنا فکر نہ کرو. تو بھی بالکل پاگل ہے کوکب. خام کا چھوٹی سی بات کا بکھیڑا کھڑا کر دیتی ہوں میں. سمجھی کسی میرے ساتھ میرے حالات کے ہمراہ. میں تمہارے ساتھ خوشی خوش ہوں فیضان, پلیز یہ مسئلہ نہیں ہے. سکندرہ مسئلہ ہی ایک رہا ہے, کہیں اندر ہی اندر تمہیں مجھ سے کوئی گلہ ہے چھپا ہوا صدیوں پرانا. پلیز فار گاڈ سیک اب تم محبت کے لیے بیگ نہ کرنے لگ جانا. ایک شریف آدمی کے لیے جو وقت کے ساتھ ساتھ امیر ہو گیا ہو بڑی مشکل ہوتی ہے. میں تمہارے ساتھ بڑی پاک بازی کے ساتھ ہمیشہ خوش رہنا چاہتا ہوں. پتہ سکندرہ جب تنزیلا اور نوفل آ گئے تو میں نے ان کی بڑی چاکری کی. کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ یہ بچے مجھے پیارے تھے, بلکہ میں انہیں تم تک پہنچنے کا واحد راستہ سمجھتا تھا. کمال ہے, تمہیں بچے پیارے نہیں تھے؟ تھے, بہت پیارے تھے مجھے بچے, لیکن میں ان سے ویسی محبت نہیں کر سکتا کہ جیسے تم ان سے کرتی ہو. وہ تمہارے وجود کا حصہ ہیں, تمہاری ذات کا حصہ ہیں, تمہاری انا کا حصہ ہیں, اور میں ان سے ویسی ہی محبت کرنا چاہتا تھا جیسے تم کرتی ہو, لیکن کر نہیں سکتا. اسی لیے تو تم میرے مسئلے کو سمجھتے نہیں ہو. یو آر ناٹ اے پارٹ آف اس. تمہیں یاد ہے سکندرہ جب بچے چھوٹے تھے تو میں انہیں آدھی رات کی پھیر دیا کرتا, انہیں برف کر کے سلایا کرتا تھا,
नर्सरी में उनसे खेलता हूँ। कितने दिन? किस लिए? किस लिए? सीधी सी बात है, वो तुम्हारे बच्चे हैं। सिर्फ इसलिए सिकंदरा कि वो तुम्हारे बच्चे हैं और तुम तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो तुम्हारे बच्चों का है। बड़ी मुश्किल होती है एक सीधे साधे शरीफ आदमी को जो सिर्फ अपनी बीवी को, उसे बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। फिर भी बीवी खुश हो ना हो ना हो। फिजान, हम दोनों तो एक दूसरे के लिए हैं। मसला हमारा नहीं है, मसला इन चारों बच्चों के मुस्तकबिल का है। तंजीला, नौफल, साजिद, जारा इस वक्त तो ये दौलत की गोद में पल रहे हैं। अगर इनकी आदतें ऐसी ही रही तो खौफ को दिल से निकाल दो सिकंदरा। एग्रेसिव और डिमांडिंग होकर जीना सीखो, यही दो हथियार काम आएंगे। बड़े मुल्क छोटे मुल्कों पर यही दो हथियार लेकर वारिद होते हैं। यही दो हथियार काम आएंगे 21वीं सदी में, बाकी सब कुछ बेकार। या अल्लाह फैजान, प्लीज प्लीज समझो, खराबी है जरूर कहीं ना कहीं। Let's see how tough this thing really is. Oh, it's got me! Back off, Buster. She's not planned for me. Come on, boy. What kind of a hideous plant was that? Oh, God. Sajid, time will get school. Let's go. Finish school. Let's go. Well, whatever it was, we seem to have frightened it off. I have a feeling we have not seen the last of that plant creature. Do you think it's somehow connected to the shredder? It's highly possible. He has access to Dimension X, where many strange organisms abound. Madam, he pulled my hair. Are you here? No, but I am. Baxter, where are your manners? Miss O'Neill, you may be here a very long time. Mrs. Faizan, गिला तो आप हमसे उस वक्त करें ना जब बच्चे हम तक रेगुलरली पहुंचते हों।
ये देखिए इनकी तो 20% हाजिरियां भी नहीं है। बात यह है मिसेस वहीद के बच्चे हैं बहुत हाई आईक्यू वाले, बहुत सेंसिटिव बच्चे हैं ये, अगर इनके टीचर इन पर खुसूसी तवज्जो दे ना तो ही बात बन सकती है। देखिए मिसेस फैजान, हम खुसूसी तवज्जो देंगे, बहुत पैम्पर करके रखेंगे बच्चों को, लेकिन आप इन्हें भेजिए तो सही, इन्हें स्कूल कौन छोड़ने आता है? इनके अपने अपने आया है, गवर्नेस होती है साथ। और आप क्या करते हैं सुबह के वक्त? दरअसल हमारा लाइफस्टाइल कुछ ऐसा है कि रात को बहुत देर हो जाती है सोते सोते। आपके हस्बैंड दफ्तर जाते हैं? ले उनकी तो अपनी फैक्ट्रियां हैं, अगर वो ना जाए दफ्तर तो बस फिर तो। और आप? मैं तो जी सुबह जब तक 2 कप बैटरी ना पी लूं मैं तो उठ ही नहीं सकती। देखिए मिसेस फैजान, आपको अपने लाइफ पैटर्न में कुछ तब्दीली करना पड़ेगी। कर लूंगी बच्चों की खातिर, क्यों नहीं। देखिए जो कौमें अपने बच्चों को अपने हाथों से काम करने का गुर सिखाती हैं उन्हें किसी भी मुकाम पर डिसिप्लिन का कोई मसला पेश नहीं आता। आप ऐसा कीजिए कि रात को बच्चों को अपना अपना यूनिफॉर्म खुद लगाने दें, वो लोग अपने बस्ते खुद पैक करें, खुद पॉलिश करें, खुद आप सिखाइए ना इन्हें। लीजिए वो अपना गिरा हुआ खिलौना नहीं उठाते तो बस्ते कहाँ पैक करेंगे। आपसे एक अर्ज करूं? जी। हम में और तरक्की याफ्ता मुल्कों में क्या फर्क है, कुछ पता है आपको? जी हाँ, वो सफेद फार्म कौमें हैं और सनती तरक्की में हमसे बहुत आगे हैं। जी नहीं, वो खुद इन्हसार, खुद कफील कौमें हैं, वो सारे लोग अपना अपना काम अपने हाथों से करते हैं। जी अच्छा, थैंक यू फॉर योर एडवाइस, मैं कोशिश करूंगी। अगर आप इनकी तरबियत कर देना तो हम यकीनन इनको तालीम याफ्ता बना देंगे, लेकिन इन्हें भेजिए तो सही रेगुलरली, कुछ अपने हिस्से का पहले आप काम तो कर दीजिए। जी आई विल ट्राई। अच्छा खुदा हाफिज। खुदा हाफिज मिसेस फैजान, बेस्ट ऑफ लक। All right, Sweater, where have you got her? 423 Dock Street. I'll be waiting, mutants. Okay, Turtles, let's haul shell! हाँ मैं गई थी उस स्टूपिड मैडम के पास कॉकअप, पता क्या उसने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मुझ पे ही डाल दी। हाँ कहती बच्चों को रेगुलर करें, लो जी अगर सारा काम हमने ही करना है तो फिर इतने महंगे स्कूल में किस लिए? तुम्हें पता है जारा की 5,000 फीस है। हाँ जी लो, तुम मत मानो, तुमने चलना था ना मेरे साथ कॉकअप, मैं तुम्हें क्या बताऊं कितनी बदतमीज औरत है। कहती है बच्चों को अपना काम खुद करने दे। लो हम कोई भूखे नंगे हैं जो बच्चों को अपना काम खुद करने दे। हाँ हाँ एक मिनट कॉकअप, मैं तुम्हें दोबारा फोन करती हूँ। हाँ नहीं वो पता नहीं इडियट सा ड्राइवर आ गया, अभी करती हूँ ना फोन। हाँ ओके खुदा हाफिज। जी बेगम साहिबा, वो मैं खानसामा लाया था। ओह वेरी गुड, बुलाओ उसे। भाई मोहम्मद हुसैन आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहिबा। वालेकुम सलाम, क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद हुसैन। कितने साल का तजर्बा है? एक उम्र हो गई सरकार, हर किस्म का खाना पका लेता हूँ। बेगम साहिबा पूछ रही हैं कितने साल का तजर्बा है। पाकिस्तान के कयाम के वक्त मैं मसालची था बटाला में, कर्नल साहब की कोठी पर। जब वो इधर आए तो मैं भी उनके साथ आ गया, बस अब तब से खाना ही पका रहा हूँ। आखिरी नौकरी क्यों छोड़ी आपने? पर सर 20 साल से मैं वहीं था शेख साहब के घर, कुछ उनका माहौल बदल गया है, अल्लाह और रसूल का खौफ नहीं रहा, तो मैंने सोचा किसी को मुझसे गिला नहीं, मैं नौकरी छोड़ दूं। शेख साहब तो आप भी बुला रहे हैं, ये नहीं जाना चाहते? ये माहौल की तब्दीली से क्या मतलब है आपका? बेशक ना हो सर, मैं यहाँ नौकरी करने आया हूं,
शेख साहब के घर 20 साल से मैं घर का आदमी था, अचानक खानसामा बन गया तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। तुम मुझे बड़े कट्टर से आदमी लगे हो मोहम्मद हुसैन, अपनी मनमाने वाले। बेगम साहब आप मुझे ट्राई देने दें। आप ट्राई देने, चीनी कॉन्टिनेंटल पाकिस्तानी हर किस्म का खाना पकाना जानते हैं भाई मोहम्मद हुसैन। तुम चुप रहो, तुमने बीच में जरूर गवाही देनी होती है। जी सर। तनख्वाह कितनी? बेगम साहब पहले आप काम देख लें, ट्राई ले लें मेरी हफ्ता 15 दिन महीना, बाद में तनख्वाह मुकर्रर कर लें। ट्राई के बगैर आपको क्या पता लग सकता है। तुम इन्हें क्वार्टर दिखा दो और देखिए मोहम्मद हुसैन जी, मैं दूसरे मुलाजमीन को आपके साथ फ्री होता हुआ ना देखो, किचन में किसी को नहीं घुसने देना जी। ठीक है, ले जाओ। लेकिन मैं कब इजाजत लूंगी मामा से? लेना पागल, वहीं कॉलेज से भुट्टा खाएंगे क्या? पेपर तो मैंने कौन सी तैयारी किया जो मैं पेपर देती फिरूं? हाँ तो भाई जो एमटीवी पे गा रहा है वो तो कोई चीज होगी ना देखने वाली। तुम मेरे पेपर की इतनी फिक्र ना करो, बस काश वो मेरी ऑटोग्राफ पे लिखते आए। हाँ जी फरमाइए, सर पे क्यों खड़ी है? टब भर गया, बात साल डाल दो। तो ये रोज पूछने वाली बात है, 14 दफा आ जाओ यहाँ से। एक तो मामा सारे जहाँ का कूड़ा भर्ती कर लेती हैं, हर आदमी पर तरस आ जाता है इन्हें। हाँ हाँ भाई भाई तुम फिक्र ना करो, आई अभी आई, वही ठहरा हुआ है 5-स्टार होटल में। अच्छा अच्छा, कुछ फूल भी तो खरीदने होंगे है ना? तूने कार्ड भी खरीद लिया मीसनी? अच्छा मेरे लिए भी ले लिया। ओह थैंक यू वेरी मच।
ये नया आदमी था, इसने भागकर फायर ब्रिगेड को फोन किया और तुम सारे फौज की फौज देखते रहे, तुमसे कुछ ना हो सका। तो पता अगर सारी कोठी जल जाती तो क्या होता? सर, जिस वक्त धुआं निकला छोटी बीबी के कमरे से, मैं भाग कर गया था। शट अप! तुम्हें पता है कितना नुकसान हुआ? तंजीला के कमरे का तो कारपेट ही सवा लाख का था, और तीनों कमरे जल गए और तुम लोगों से कुछ ना हो सका। थैंक यू खानसामा जी, अल्लाह का शुक्र है कि आपने इन लोगों पर मामला नहीं छोड़ा, वरना सारी कोठी जल जाती। मैं बहुत मशकूर हूं आपका, थैंक यू वेरी मच। कुछ करना चाहिए फिजान, कुछ होना चाहिए। अब क्या होना चाहिए सिकंदरा मजीद? देखो, मैं लाख सर्वेंट्स को ब्लेम करूं, लेकिन सारा कसूर तंजीला का है। वो क्यों इस तरह स्टैंड पर छोड़कर चली गई थी? ओ बाबा, हो जाती है गलती, भूल जाता है आदमी। उसे जल्दी थी, किसी का एक्सक्यूज मान भी लिया करो। ये नौकरों की फौज क्या कर रही थी उस वक्त? यस, आइए आइए मेरे बेटे। बाबा, वो आपने कहा था ना? हाँ, मसलन क्या कहा था हमने अपनी बेटी से? बाबा कि मैं अपनी चॉइस का कालीन बिछा लूं जब मुरम्मतें हो जाएं तो। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन शायद अभी कुछ देर लगेगी, मुरम्मतों में हफ्ता डेढ़ और। नहीं बाबा, वो मैं ऐसे ही गई थी ना बाजार, तो ये कुछ सैंपल साथ ले आई। आप भी देखिए मामा। तुम्हारी प्रिंसिपल का फोन आया था तंजीला। जी मामा। तुमने इम्तिहान नहीं दिए। मामा मैं प्रमोट हो जाऊंगी फोर्थ ईयर में, बाबा ने डोनेशन देने का वादा कर लिया है प्रिंसिपल के साथ। क्या बाबा मेरी खातिर 1,00,000 रुपया भी नहीं दे सकते? प्रमोट तो तुम हो जाओगी, लेकिन तुमने इम्तिहान क्यों बंक किया आखिर? मामा आपको बताया तो था, जिस रोज आग लगी थी ना उस दिन मैं लेट हो गई थी, मुझे अंदर ही नहीं घुसने दिया, तो मैं पेपर क्या देती? बस बस सिकंदर, ये बात तुम कई बार पूछ चुकी, कई बार तुमसे माफी मांग चुकी है, नाउ प्लीज लीव इट। जाओ मेरा बेटा, मैं मामा को जाके झप्पी डालू। जाओ जाओ। ये देखो, सिर्फ 4,500 में मिल गया है, 4,000 मांग रहा था। मैंने भी खूब जोर लगाया, पता नहीं मिलने के बाद बेकार ना हो जाए। ड्राई क्लीनिंग के लिए भिजवा देना ना, खुद ही ना धोने बैठ जाना। तुम्हें क्या हो गया है? फिर वो ही बच्चे? बेवकूफ, तुझे तो मीनिया हो गया है बच्चों का। तेरे हस्बैंड ठीक कहते हैं, अगर बच्चे अग्रेसिव नहीं होंगे, रिमाइंडिंग नहीं होंगे, तो दूसरों के साथ कम्पीट कैसे करेंगे? हेलो, जी जी जी, बिल्कुल है जी, तुम्हारा फोन है सिकंदरा। हेलो, क्या हुआ है? चोट तो नहीं आई? कौन था साथ? खुशी मोहम्मद से कहो उसे हॉस्पिटल ले जाए। ठीक है, तुम भी, हाँ तुम भी चले जाना साथ। हाँ हाँ ना, लंबी बात ना करो, हॉस्पिटल ले जाओ दोनों को। क्या हुआ? साजिद ने अपनी एयरगन से फिजान की बिल्ली को शूट कर दिया है। इतनी प्यारी बिल्ली थी, अल्लाह करे बच जाए। तो ये कोई बात है? मैं तो डर गई थी। पता नहीं क्या है इन बच्चों को, हर किस्म की सहूलतें हैं, हर किस्म की नेमतें हैं उनके पास। जरा मैं घर से बाहर निकलती हूँ, धड़का लगा रहता है, खुदा मालूम किस आफत पे चढ़े होंगे, क्या कर डाले पीछे से। हर वक्त की ना शुक्र गुजारी, हर वक्त की ना फरमानी, हर वक्त हर वक्त। देखो सिकंदरा, तुम ऐसा करो, तीनों को हॉस्टल में दाखिल करवा दो, तुम्हें भी ब्रेक मिल जाएगी, हॉस्टल वाले खुद डिसिप्लिन सिखा देंगे। कैसे हो सकता है कॉकब? फिर फिजान भी नहीं मानेंगे। तुम ऐसा करो, लंदन जाकर दाखिल करो, वहां का सिस्टम कुछ ऐसा है, एक तो तुम्हें पढ़ाई का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, और दूसरा डिसिप्लिन का मसला खत्म हो जाएगा, वहां हर काम डिसिप्लिन से होता है। पर अकेले कैसे रहेंगे वहां, छोटे छोटे से तो हैं बेचारे। तो चंद सालों के लिए तुम भी चली जाना, फैसान भाई आते जाते रहते हैं। नहीं कॉकब, मैं लंदन में नहीं रह सकती,
इतनी टफ लाइफ है वहां की, मैं वहां कैसे सरवाइव कर सकती हूँ? नहीं भाई, हाँ ये तो है, सारा काम वहां खुद करना पड़ेगा, ना कुक ना माली ना चौकीदार। तू कोई रास्ता बता ना मुझे कॉकर, तू तो इतनी लायक फायक है, कुछ तो मशवरा देना। अच्छा शाम को मैं तुझे बड़ी अच्छी किताब देके जाऊंगी, क्वेश्चन आंसर किस्म की किताब है, डिफरेंट। लेकिन हाय आए क्योंकि बच्चों को कैसे हैंडल करना चाहिए? हा? यही तो सारी मुश्किल है, अगर ये बच्चे जरा कम जहीन होते ना तो फौरन काबू में आ जाते। पता है नौफल के प्रोफेसर एक बात थी सर। खुदा के लिए मोहम्मद हुसैन अब छुट्टी ना मांग लेना। नहीं नहीं सर, मुझे छुट्टी नहीं चाहिए। फिर क्या दरकार है आप? बेगम साहब मैं इस घर में नया आदमी हूं, मैं नहीं जानता, शायद आप मुझे इस बात पर निकाल दें, लेकिन आपकी परेशानी देखकर मुझे बड़ा दुख होता है। मोहम्मद हुसैन, आपको पता होना चाहिए कि हम किसी बाहर के आदमी को अपनी प्राइवेट लाइफ में दखल देने की इजाजत नहीं देते। आपकी जरूरत कैसे हुई? मेरी परेशानी का जिक्र आपने किया कैसे? ओ, माफ कीजिए बेगम साहब, ये बाबा लोग आपको बहुत तंग करते हैं, काबू में नहीं आते आपके, इसलिए वो सॉरी मैडम। सुनो मोहम्मद हुसैन जी। जी सर। तुम्हारी शक्ल और दाढ़ी मेरे दादाजी से बहुत मिलती है, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर रही हूं, वरना मैं खड़े खड़े निकाल दिया करती हूँ इस किस्म की बात पे। ओ मेहरबानी है बेगम साहब आपकी, मेरी छोटी बेटी भी बड़ी जिद्दी थी, जरा उसकी बात ना मानो तो उसे दंगल पड़ जाती थी। वैसे अब अब बिल्कुल ठीक है, सारे घर का काम करती है, मस्जिद जाकर सबक भी पढ़ाती है। बेगम साहब तीसरे सिपारे पर पहुंच गई है। आपका हुक्म मानती है? वो सर ना वो ना फरमान रही है सरकार, और ना ही वो ना शुक्रगुजार नजर आती है। कैसे? इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आई? बेगम साहब ये पिछली सड़क पर मस्जिद है ना, उनके पेश इमाम के पास चली जाए आप, बड़े नेक आदमी है, उनसे पानी दम करा दे, बच्चों को पिला दे, एक हफ्ते में ठीक हो जाएंगे चारों। हम पर दरअसल इन बातों का अब असर नहीं होता, हम 21वीं सदी में दाखिल हो रहे हैं। वो आपकी मर्जी है बेगम साहब, वैसे मैं इसरार तो नहीं कर सकता, लेकिन जिस तरह आप मेरी ट्राई ले रही हैं, इस तरह एक ट्राई मौलवी साहब की भी ले ले, कलामे पाक में बड़ा असर होता है सरकार।
सॉरी आई एम सॉरी लेकिन मैं इन पे यकीन नहीं रखती. एक तो ये औरतों के बहुत खिलाफ होते हैं, दूसरे नमाजों पर इतना जोर देते हैं बिला वजह. बहुत ही रिजिड रवैया होता है इनका. बेगम साहबा, अगर डॉक्टर अच्छा ना भी लगे तो भी इसकी दवा पी लेनी चाहिए. आगे आपकी मर्जी है. वैसे ये आपकी ये बात भी दुरुस्त है, ये मौलवी हजरात होते ज्यादातर सख्त ही हैं, पर मौलवी मुकीम ऐसे नहीं है, बड़े ही शर्मीले नेक दिल आदमी. नहीं नहीं मोहम्मद हुसैन, मैं मौलवी चौलवी के चक्कर में नहीं पड़ सकती. देखो ना, हमारा पैटर्न ऑफ लाइफ इसकी इजाजत नहीं देता. और प्लीज आप आइंदा हमारे मामलात में दखल देने की कोशिश नहीं करेंगे, इतना फ्री ना हो. जी बेहतर सर. सलाम. हेलो. हाँ कॉकर. हाँ भाई, वो किताब मिली? कौन सी वाली किताब? वो ही हाई आई क्यू के बच्चों की किताब, उनको हैंडल करने वाली किताब. हाँ हाँ. क्या मैं लंदन चली जाऊं और वहां ग्रोसरी खरीद खरीद के पागल हो जाऊं? नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. आप मुझे बस वो किताब ढूंढ दें. हाँ ढूंढो तो सही, वहीं कहीं मिल जाएगी. हाँ. हेलो. हाँ क्या बना? ओहो फिजान, खुदा के लिए नौफल गाड़ी नहीं चला रहा था. हाँ, तुम फौरन पहुंचो, उसे थाने ले गए हैं वो. हाँ फिजान, खुदा के लिए, ये सिर्फ एक हादसा था, सारा कसूर तो उस ट्रक वाले का है, लाकर ट्रक मारा गाड़ी के अंदर. क्या? हाँ ट्रक को तो आग लग गई है. देखो फिजान, इन बातों में, इन इस डिटेल में जाने का इस वक्त नहीं है, तुम फौरन पहुंचो प्लीज. तुम क्या कर रहे हो? गाड़ी? अब गाड़ी चला रहा था उसका दोस्त चला रहा था. नहीं नौफल नहीं चला रहा था. हाँ उसका दोस्त चला रहा था. हाँ प्लीज तुम फौरन पहुंचो. देखो बातों में वक्त जाया करने का कोई फायदा नहीं है. प्लीज फिजान फौरन पहुंचो ना, वो पता नहीं थाने में होगा कि क्या हो. अच्छा ठीक है. हाँ फिर मुझे बताना जरूर है. अच्छा ओके, खुदा हाफिज. सर वो बच्चों के लिए आपने कुछ बताया ही नहीं. मोहम्मद हुसैन जी, वो जो तुमने मौलवी साहब का बताया था वो मिल जाएंगे इस वक्त? जी हाँ, वो असर की नमाज के बाद अक्सर घर पे ही होते हैं. वो कुछ पढ़ने के लिए बता देंगे, रद्दे बला के लिए कोई ऐसी चीज जिससे आफत टल जाए, कोई मोजा रूनमा हो जाए. जी हाँ जरूर बताएंगे, अल्लाह के कलाम में बड़ी ताकत होती है सरकार. तो फिर चलो अभी चलो, इसी वक्त मेरे साथ चल. ये पकड़ो जी.
चलो।